हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महामारी के समय जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की परवाह किए बिना की आमजन की सेवा। कैलाश चौधरी। जाट चैरिटेबल ट्रस्ट नेहरू नगर में संपन्न हुई भाजपा जिला कार्य समिति बाड़मेर की बैठक और उसके बाद आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि आपसी फूट के कारण कभी भी गिर सकती है प्रदेश की कांग्रेस सरकार। भाजपा कार्य समिति बाड़मेर की बैठक शनिवार को जाट चैरिटेबल ट्रस्ट नेहरू नगर में संपन्न हुई। इसमें महामारी के समय पार्टी की जिला इकाई द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी गई तथा आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री व स्थानीय बाड़मेर जैसलमेर सांसद कैलाश चौधरी ने कहा कि महामारी के समय जिले में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से अपनी जान की परवाह किए बिना काम किया उसकी हर जगह और आमजन की ओर से बहुत सराहना मिली है। भाजपा जिला अध्यक्ष आदुराम मेघावल ने बताया कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संक्रमण की पहली और दूसरी लहर में जरूरतमंद की सेवा की। बाड़मेर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संगठन काम को केवल नारों में ही नहीं जमीन पर भी जीवंत किया। कार्यक्रम की रूपरेखा बालाराम मुड़ ने रखी और मंच संचालन स्वरूप सिंह खारा ने किया। कार्य समिति की बैठक में कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष माधोराम चौधरी, जिला अध्यक्ष आदुराम मेघावल और भाजपा जिला मीडिया प्रभारी ललित बोथारा सहित जिले के वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष माधोराम चौधरी ने कहा कि बाड़मेर जिले सहित प्रदेश भर में संक्रमण की दर अब थोड़ी सी कम हो रही है, यह अच्छी बात है, लेकिन ये राज्य सरकार की कोशिशों से हुआ ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार और भाजपा कार्यकर्ताओं सहित सबकी सक्रियता से यह उम्मीद जगी है। वहीं कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 135 करोड़ जनसंख्या वाले देश के सभी नागरिकों को निशुल्क टीकाकरण का बहुत बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसका देश भर में अमलीकरण भी शुरू हो चुका है और रिकॉर्ड टीके लग रहे हैं। कैलाश चौधरी ने कहा कि गरीबों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कमिटमेंट को देखते हुए केंद्र सरकार ने 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त में राशन सामग्री मुहैया कराने का फैसला लिया। इसी तरह पिछले साल भी पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत राशन मुहैया करवाया गया था। अपनी खामियों को केंद्र पर थोपकर जिम्मेदारी से बच रही गहलोत सरकार। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि गहलोत सरकार ने अपने स्तर पर कोरोना महामारी से बचाव के कोई उपाय नहीं किए। जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट भी समय पर स्थापित नहीं किए। इसी तरह टीकों का दुरुपयोग किया गया। अब राज्य सरकार और कांग्रेस पार्टी अपनी खामियों को दूसरों के ऊपर थोपना चाहती है। कैलाश चौधरी ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार अस्थिर है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सचिन पायलट के मतभेदों के कारण यह सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है। कृषि राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरुद्ध में चल रहे किसान आंदोलन से कुछ ऐसे लोग जुड़ गए हैं जिनका अन्नदाताओं से कोई संबंध नहीं है और इस कारण आंदोलन के लोग भ्रमित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार से संवाद के माध्यम से किसानों की समस्याओं का निश्चित रूप से समाधान होगा। बैठक में उपस्थित रहे प्रदेश कार्य समिति सदस्य दिलीप पालीवाल, स्वरूप सिंह राठौड़, जिला महामंत्री बालाराम मुड़, स्वरूप सिंह खारा, जिला प्रवक्ता ललित बोथारा, एएससी मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मण बडेरा, युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष अनंत राम बिश्रोही, पूर्व मंत्री अशरफ अली, गंगा विशन अग्रवाल, नखत सिंह, पुरखाराम मांजू, पृथ्वी चंडक, मूल सिंह राजपुरोहित, प्रधान रूपाराम सारण, सिग्रथी देवी, अनीता चौहान, रमेश शर्मा, राधा रामावत, रमेश सिंह इंदा, धन सिंह मौसेरी, इंदु शर्मा, संगीता चारण, दिनेश बिश्रोई सहित सभी जिला पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य, मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी मोर्चा तथा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष उपस्थित रहे। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकराराम मेघावल की रिपोर्ट।